माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के तीन इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के डेरिवेशंस देखेंगे। तो इन तीन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के जो डेरिवेशंस हैं उसके लिए हम सबसे पहले इसको चुनते हैं और इस वाले को देखिए। इस वाले में आपको एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, इस वाले में आपको एक्स की जगह एक सब्सटीट्यूशन लेना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। दूसरे वाले में आपको एक्स की जगह लेना पड़ेगा ए साइन थीटा। ऐसा सब्सटीट्यूशन क्यों? ऐसा सब्सटीट्यूशन इसलिए क्योंकि आपको ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी और वो आइडेंटिटी जो क्लास टेन में आपने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसमें बन जाएगी। अगर इसमें x की जगह a साइन थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसमें x की जगह a सेक थीटा रखना पड़ेगा, a सेक थीटा, a कोसेक भी रख सकते हैं। क्यों? यहाँ x की जगह जब a सेक थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी उस बेसिस पे। एक ये जनरल आइडिया है, ये जो दो इंटीग्रल्स हैं इनको बिना सब्सटीट्यूशन के भी कर सकते हैं, बिना सब्सटीट्यूशन के भी कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन से फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको इंटीग्रल का स्किल और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताऊंगा, विदाउट सब्सटीट्यूशन और डायरेक्ट देयर इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जो दूसरी टेक्निक है। तो लेकिन इसके लिए वो टेक्निक एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एकमात्र तरीका है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और फिर अगर उसका यूज़ करेंगे तो फिर हमें इसके फैक्टर बनाना पड़ेंगे और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करना पड़ेगा। तो वी शैल अवॉइड दैट थिंग और आप साथ साथ बने रहें, देखते रहें। अगर आपको ये तीन डेरिवेशन समझ में आते हैं तो तीन डेरिवेशंस और हैं जिसमें यहाँ स्क्वायर रूट लगता है, और उसके बाद तीन डेरिवेशन और हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर माने जाते हैं लेकिन वो न्यूमरेटर में होते हैं। एक होगा आपके पास तीनों, जिसमें तीनों में स्क्वायर रूट आएगा, और एक ऐसा होगा जिसमें तीनों में स्क्वायर रूट आएगा पर वो न्यूमरेटर में होंगे। तो अगर आप इसको डेवलप कर लेते हैं इस स्किल को तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ऐसे तीन और तीन तीन ऐसे करके आपके पास नौ फॉर्मूले हो जाएंगे टोटल। तो आइए इसको देखते हैं। एक्स की जगह ए टेन थीटा, मान लीजिए ये नंबर वन है तो वन को हम करना चाहते हैं एक्स की जगह ए टेन थीटा रख के। तो मान लेते हैं इंटीग्रल है हमारे पास आई वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सब्सटीट्यूशन क्या लेंगे हम दोस्तों? सब्सटीट्यूशन हम लेंगे एक्स की जगह ए टेन थीटा, डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास ए सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा ए सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को आप उधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देयर फोर आई इज इक्वल टू, ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद आई का वैल्यू क्या होगा? आई का वैल्यू होगा डी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इंटीग्रेशन में होगा सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो मैं आपको कह रहा था कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ए ए कैंसिल। तो ये देखिए आप, बड़ा आसान और अच्छा तरीका है, डेरिवेशन आपको आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत होगा। वन प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, और अगर कैंसिल हो गया तो ये वन बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा, और प्लस ऑफ कोर्स देयर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड सी, सी कहेंगे उसको वन अपॉन ए। आप थीटा का वैल्यू निकालना है तो थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे? तो आप देखिए हमने क्या सब्सटीट्यूट किया दोस्तों,
हमने सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो x अपॉन a क्या होगा, x अपॉन a टेन थीटा होगा, और टेन को आप उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें हम, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। तो दोस्तों ये था फर्स्ट जो फॉर्मूला था उसका डेरिवेशन, डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उसका प्रूफ ये है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू या फार्मूला नंबर टू का डेरिवेशन, और अगर आप इंटीग्रेशन और डेप्थ में देखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन के मेरे ढेर सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें सबको देखिए और आपका कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर लीजिए। तो जैसे एक बार कॉन्फिडेंस आपका एक बार बिल्ट अप हो गया तो फिर आप मास्टरपीस बन जाएंगे। सेकंड का मान लीजिए कि द इंटीग्रल इज आई, इसको आई मान लेते हैं, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जो अल्टरनेट अप्रोच है जैसा मैंने प्रॉमिस किया है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पहले हम डायरेक्ट देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा विल बी ए कॉस थीटा, डी थीटा को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा डी थीटा। ये डी एक्स का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, डी एक्स का, तो डी एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वैल्यू, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन न्यूमरेटर से, ए स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर से जैसा उसमें था, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन वन माइनस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल, वन अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, वन अपॉन जो कॉस है ध्यान से देखिए, वन अपॉन कॉस इसको आप लिख सकेंगे सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल वन अपॉन ए सेक थीटा डी थीटा। वन अपॉन ए सेक थीटा का इंटीग्रल लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा बेस ई, बहुत बार आप इसको ln लॉन लिखते हैं प्लस सी वो भी चलेगा। अब आपको सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू एलिमिनेट करना होगी, तो सेक थीटा और टेन थीटा के लिए आप इसे लिख लें वन बाय ए लॉग बेस ई, सेक थीटा के लिए वन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, तो वो देखिए वो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन क्या है, वन अपॉन ए लॉग ऑफ वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों को क्लब कर दिया प्लस सी, वन अपॉन ए लॉग ऑफ वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा को लिख देंगे हम अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, बेस ई है, वन अपॉन ए लॉग ऑफ वन प्लस, अब साइन थीटा का वैल्यू देखिए आप दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू है एक्स अपॉन ए, तो साइन थीटा की जगह मैं लिख दूंगा वन प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी, वन अपॉन ए लॉग ऑफ एलसीएम ले लें आप ए प्लस एक्स होल अपॉन ए, यहां भी ले लें आप
यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये जो अपॉन में ए स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, अपॉन में जो ए है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए जब सिंप्लीफाई करेंगे उसे तो वो ए बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा आपका, वन अपॉन ए लॉग बेस ई ए प्लस एक्स अपॉन ए, और ये हो गया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए। इस ए से ए को कैंसिल कर दें, अब ये ए स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट के बाहर है, इसे क्या लिख देंगे प्लस सी है, प्लस सी है। वन अपॉन ए लॉग ऑफ इस ए प्लस एक्स को लिख दें आप रूट ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसे नीचे लिख देंगे आप रूट ऑफ ए माइनस एक्स रूट ऑफ ए प्लस एक्स, रूट ऑफ ए प्लस एक्स से रूट ऑफ ए प्लस एक्स कैंसिल हो गया आपका, दोनों स्क्वायर रूट में है तो दोनों स्क्वायर रूट में, तो दोनों को क्लब कर दें। तो दोनों को जब आप क्लब कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होल टू द पावर वन बाय टू। क्यों, स्क्वायर रूट का मतलब है होल टू द पावर वन बाय टू प्लस सी। अब ये जो पावर है ये लॉग की प्रॉपर्टी से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा आपके पास वन बाय टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बेस ई प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू या फार्मूला नंबर टू का डेरिवेशन जो आपने देखा। अब जो इसका अल्टरनेट जो अप्रोच है वो भी देख लें, अल्टरनेट अप्रोच में आप कंफर्टेबल फील करोगे, फिर भी मेरी एडवाइस है कि आप इसको भी ट्राई करें और उसमें भी आप इक्वली कॉन्फिडेंट रहें, वो है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आप लिख सकेंगे वन अपॉन ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स डिनोमिनेटर को, और मैं एक इसमें छोटा सा काम भी करना है टू ए से डिवाइड और टू ए से मल्टीप्लाई, ये आपको फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करें। और एक्स इसको लिख देंगे हम एक्स प्लस ए माइनस एक्स, अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा जब चाहेंगे जब, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस ए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, तो ये प्लस ए ये प्लस ए टू ए हो जाएगा जो कि बैलेंस हो जाएगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स वन अपॉन टू ए, ये लिख दिया हमने इसे एक्स प्लस ए, इसमें थोड़ा ज़्यादा काम कर दिया था, इसको वापस से ए माइनस एक्स लिख दें माइनस अंदर डाल दें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया आपका ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। और अब हम क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, जैसा मैंने कहा था ये थोड़ा इजी है उससे, पर भी आप फोकस करिए कि दोनों कंसेप्ट आपको सॉलिड समझ में आए, क्योंकि एक बार आपका कंसेप्ट बना ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा वो देखिए, अब आपके पास है वन अपॉन टू ए इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ए माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। एक फार्मूला है इंटीग्रेशन का दोस्तों, क्या है वो फार्मूला, वन अपॉन पी एक्स प्लस क्यू का इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो तो ये इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ पी एक्स प्लस क्यू और बेस ई, और शुरू में होगा वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स इज वन अपॉन पी,
तो 1/p आएगा, तो यहाँ पर p की जगह क्या देखिए, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1/2a इसका इंटीग्रल, इससे आप कंपेयर करिए, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों log ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स बेस e 1/ कोफिशियंट ऑफ x विच इज -1। देखिए आप p यहाँ पर मैच कराइए, p क्या है, कोफिशियंट ऑफ x से, कोफिशियंट ऑफ x, तो कोफिशियंट ऑफ x यहाँ -1 है, तो यहाँ -1 आ गया, प्लस इसका इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स बेस e प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c भी रहेगा 1/2a, इसको हम लिख दें, इसको पहले लिख, इसमें x का कोफिशियंट 1 है इसलिए 1/1 आएगा, log ऑफ a प्लस एक्स, इसको लिख दिया माइनस log ऑफ a माइनस एक्स प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/2a log ऑफ दिस माइनस दिस, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज log ऑफ m अपॉन n, इसलिए ये हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो ये था दोस्तों सेकेंड का अल्टरनेट सॉल्यूशन, सेकेंड का अल्टरनेट प्रूफ। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, अब हमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा और इजीली हैप्पीली हम कर लेंगे, फिर आपको अगले वीडियोस में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन अगर आप दबा सकते हैं तो दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और मेरी सर्विसेज आपको मिले। ये थर्ड है आपका, मान लीजिए कि आई है, अब आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। तो इसमें x की जगह a sec थीटा रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ये वाला क्यों होगा मैंने आपको बताया था। और देखिए अगर x की जगह a sec थीटा तो dx की वैल्यू होगी a sec थीटा tan थीटा, और जो आप यहाँ d थीटा लिखते थे अपॉन में वही यहाँ लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका a sec थीटा tan थीटा अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, जहाँ जहाँ x दिखा है वहाँ वहाँ a sec थीटा लिखा है, जहाँ dx दिखा है वहाँ a sec थीटा tan थीटा लिखा है, a कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर a स्क्वायर फ्रॉम डिनोमिनेटर, sec थीटा tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, 1/ a, a से कैंसिल, ये हो जाएगा आपका sec थीटा tan थीटा डी थीटा होल अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस वन विच इज tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज की, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, अब हम इसको साइन और कॉस में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/ a, sec को लिख दें 1/ cos थीटा, tan को लिख दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगर आपका मन व्याकुल है काटने को कह रहा है तो तुरंत काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/ a 1/ sin थीटा d थीटा, 1/ sin थीटा कैन बी रिटन एज cosec थीटा, cosec थीटा d थीटा। अब आपको cosec थीटा का इंटीग्रल याद हो, कोसेक का इंटीग्रल है लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बेस ई प्लस सी। अब कोसेक को क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले बार किया था वैसे ही करेंगे, इसको लिख देंगे 1/ a लॉग ऑफ कोसेक को लिख दीजिए 1/ साइन थीटा, कॉट को लिख दीजिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बहुत सारे इंटीग्रल्स हैं इसके कोसेक के, लेकिन आपको यही इंटीग्रल यूज करना है, कौन सा वाला, ये वाला जिससे फॉर्मूला डिराइव होगा प्लस सी 1/ a लॉग ऑफ
वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सी बेस ई। अब हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है वो देख लीजिए आप। अब हमने सब्स्टिट्यूट किया है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि सेक में कन्वर्ट कर दूं। तो सेक में कन्वर्ट करने के लिए तो यहां से देखते हैं, वन अपॉन ए लॉग ऑफ, इसको आप लिख दीजिए साइन, ये जो आपका लिखा हुआ वन माइनस कॉस थीटा, इसको लिख दीजिए वन माइनस वन अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन जो आपका साइन थीटा है। अभी साइन थीटा को आप अगर साइन थीटा रखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप इसको ऐसा लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखिए आप ये फिर कैसे होने वाला है देखते हैं। ये हो जाएगा वन अपॉन ए लॉग ऑफ कॉस थीटा, सॉरी ओ माय गॉड, कॉस थीटा को लिखना था हमें वन अपॉन सेक थीटा, ओके वन अपॉन सेक थीटा, और वन अपॉन सेक थीटा लिख दिया तो इसे रहने भी दें तो चलेगा नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, अभी इसको लिख देते हैं सेक थीटा माइनस वन अपॉन, ये आ जाएगा साइन थीटा के अपॉन में कुछ नहीं है तो वन लिख दीजिए, तो साइन थीटा वन ऊपर मल्टीप्लाई होगा और सेक थीटा नीचे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस सी। तो ये आपका हो गया वन अपॉन ए लॉग ऑफ बेस ई सेक थीटा माइनस वन, और इसको आप लिख सकेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। अगर इसके अलावा भी एक अपने पास अल्टरनेट टेक्निक है वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ आपसे। ये हो जाएगा वन अपॉन ए लॉग ऑफ सेक थीटा माइनस वन साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बी टेन थीटा प्लस सी। अब इसे क्या लिखिए आप, वन अपॉन ए लॉग ऑफ सेक थीटा माइनस वन, तो सेक थीटा माइनस वन है, टेन थीटा को आप लिख दीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस सी। अब सेक थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आप सिंप्लीफाई यहीं पे करना चाहते हैं तो पहले इसको लिख दीजिए वन अपॉन ए लॉग ऑफ, हर तरह से करें आप, हर तरह से अप्रोच बनाएं, सेक थीटा माइनस वन रूट सेक थीटा माइनस वन स्क्वायर, और अपॉन में कैसा लिख देंगे आप, अपॉन में लिख दीजिए आप रूट सेक थीटा माइनस वन इंटू रूट सेक थीटा प्लस वन। तो रूट सेक थीटा माइनस वन से रूट सेक थीटा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वन अपॉन ए लॉग ऑफ पूरे पे रूट आ जाएगा सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा प्लस वन मॉड है प्लस सी है वन अपॉन ए, इसको लिख पाएंगे आप लॉग ऑफ सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा प्लस वन टू द पावर वन बाय टू प्लस सी। वन बाय टू को आप उतार लें पावर यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये आपका हो जाएगा वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन। आप सेक थीटा की वैल्यू डाल दें, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो सेक थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, सेक थीटा इज वॉट एक्स अपॉन ए, तो ये है सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा इज एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स बाय ए माइनस वन एक्स बाय ए प्लस वन प्लस सी, और अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपका एक झटके में आंसर आ जाएगा वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, ये ही आपका इंटीग्रेशन है इसका जो हम निकाल चुके हैं। अगर आप यहाँ से काफ़ी कम काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक अगर आए हो, कहाँ तक, इसके नीचे की स्टेप तक जिसको ये लिखा हुआ है मैंने, तो ये भी अपन आप मिल के कर सकते हैं। देखिए आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, वन अपॉन ए लॉग ऑफ हमारे पास क्या लिखा था, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर हमने कॉस को वन अपॉन सेक लिखा था जैसा यहाँ लिखा था, फिर साइन थीटा के अपॉन में वन लिखा था। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा की वैल्यू है आपके पास एक्स अपॉन ए, सेक थीटा होता है हाइपरटेन्यूस अपॉन बेस। तो एक राइट ट्राइंगल बना लें आप, हाइपरटेन्यूस एक्स है बेस ए है, तो परपेंडिकुलर आपका पाइथागोरस से ये होगा, और ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो भी आपका काम बहुत आसान हो सकता है। लॉग ऑफ वन माइनस कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा ए बाय एक्स, ए बाय एक्स होगा, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स। ये भी एक तरीका बहुत आसान है, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स माइनस ए रूट एक्स प्लस ए अपॉन क्या है आपके पास एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस सी है इधर, प्लस सी इधर है, प्लस सी इधर है। अब इस रूट एक्स माइनस ए से इसको काट सकते हैं आप, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, ये हो जाएगा इससे जब कैंसिल होगा तो रूट ऑफ एक्स माइनस ए रूट ऑफ एक्स प्लस ए, पूरे को रूट में कर दें आप, फिर आपके पास ये पावर क्या हो जाएगी, वन बाय टू, वन बाय टू इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन बाय टू ए। तो ये भी एक आपके पास अच्छा अप्रोच है, और जो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है, अल्टरनेट प्रूफ है, अब हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब उसके प्रूफ में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप उसको भी एक बार देख लें। वो पार्सल फ्रैक्शन वाली जो टेक्निक है, टाइम लगभग मेरे ख्याल से 27 मिनट है, 3 मिनट का और टाइम दीजिए, ये भी काम कर देंगे हम। वन अपॉन एक्स माइनस है एक्स प्लस ए लिख सकते हैं आप, फिर हमने जो बात कही थी 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड की, वही इसमें भी करना है आपको, 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड, वन अपॉन 2a, ये ऊपर वाला जो 2a है इसको ऐसा लिख दीजिए, x प्लस ए माइनस जैसा पिछली बार लिखा था हमने, x से x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स, और सेपरेट कर दें, तो सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा दिस, इससे ये कैंसिल होगा तो वन अपॉन एक्स माइनस ए बचेगा, इससे ये कैंसिल तो वन अपॉन एक्स प्लस ए बचेगा, ये आपका इंटीग्रल हो गया, एक झटके में काम हो गया। लॉग एक्स माइनस ए माइनस लॉग एक्स प्लस ए, आप दोनों देखिए, दोनों समझिए, पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, गेन करें कॉन्फिडेंस, मैथमेटिक्स में हर तरीके से हर अप्रोच को एक्सप्लोर करें, डेवलप करें। लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम अपॉन एन प्लस सी, ये आपका प्रूफ था, इसका अल्टरनेट प्रूफ थर्ड वाले का, 30 मिनट से पहले कर लिया हमने काम। वही रिक्वेस्ट, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक बात पहुंचा दें, आगे तक जाने दें मैसेज को, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। कोई कमेंट हो तो ज़रूर लिखिए, और छोटी मोटी गलतियां हो तो उनको नज़रअंदाज करिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे सामने आप ही हैं और कोई नहीं है। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, और आगे तक बढ़ें, देश को बढ़ाएं।